हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर हम देखें, हमारे अकाउंट्स क्या हो चुके हैं, क्लोज्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो अभी भी हमारी रहती हैं। अब जैसे क्या हुआ, हमने अपने अकाउंट्स कंप्लीट कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई, सब अकाउंट्स बन गए, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो भूल ही गए, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना तो भूल ही गए। अब अकाउंट्स तो क्लोज हो चुकी हैं, अब सारे के सारे अकाउंट्स तो हम चेंज कर नहीं सकते, हम नहीं स्टार्ट करेंगे दोबारा से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाना, पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे उसके बाद दोबारा से बैलेंस शीट, कोई भी पूरी की पूरी प्रोसेस नहीं करेगा। अब हमने सिर्फ क्या करना है, हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे जो भी हमारी मिस्टेक पहले रह चुकी है वो क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। अब जैसे भी अब मिस्टेक्स हो किस तरह की सकती हैं, जैसे फर्स्ट तो हमने कर ली, देखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए। इसके अलावा क्या हो सकती है, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ गलत में चार्ज कर दिया, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुकी थी लेकिन फिर भी आपने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना भूल गए, आपने पहले वाली रेशियो के अंदर ही प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, ये गलती हो सकती है, या फिर सैलरी कमीशन देना भूल गए। तो इस तरह की कुछ गलतियां हो जाती हैं हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करते हुए, और जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है या पता चलता है, तो हमें उन गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ता है। उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री होती है, और उसके थ्रू हमारा क्या हो जाता है, सारे के सारे अकाउंट्स अपने सही जगह पर आ जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपके इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं। दो तरह से हो सकता है, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर एंड ओमिशन, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। दो तरह से है, एक में तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी गलतियां हुई हैं सारों को बीच में लेकर एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और जो सेकंड केस है उसके अंदर हर एक गलती के लिए सेपरेट सेपरेट एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो दूसरे वाला बाद में करेंगे, अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जहां पर हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 41 है, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। इलस्ट्रेशन आपकी 41 है, आपको बता रहे हैं एबीसीडी इक्वल पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी इक्वल पार्टनर्स हैं, उसके बाद आपको कैपिटल गिवन है 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000, 50,000, 30,000, उसके बाद 25,000 एंड 15,000। तो ये चारों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that according to partnership deed, interest at 10% per annum on partner's capital was not provided before distribution of profit. Accounts close हो चुके हैं, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आपने 10% interest on capital देना था, वो आप देना भूल गए हैं, आपने उसे पहले ही प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। अब उन पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं लेकर आएंगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स्ड नहीं है मतलब फ्लक्चुएटिंग है, हम उनके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे उनका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, 50,000 का 10% 5,000, 30,000 का 10% 3,000, 25,000 का 10% 2,500 एंड 15,000 का 10% 1,500। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए। अब हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं जो होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये टेबल आपकी एडजस्टमेंट को शो करेगा, जो भी आपकी गलती हो गई है उसको रेक्टिफाई करेगा। हमारे पास दो पार्टनर, चार पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। तो अब हम क्या भूल गए हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे उन्हें। हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को 5,000, बी को
3000, उसके बाद 2500 एंड डी का 1500। इसके बाद एक कॉलम बनती है टोटल की, वो भी बना देंगे हम यहाँ पर। टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 4 12000 टोटल हो गया। अब हमने क्या देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं। हम जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, तो हम उसे करते हैं क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनके अकाउंट में करना है क्रेडिट, मतलब इतना हमने उनको और देना था, वो आपका टोटल बना 12000 रुपीज। अब आपने इसके बाद क्या करना है, डिवीजन ऑफ लॉस। डिवीजन ऑफ लॉस कौन से पार्टनर्स में, चारों पार्टनर्स में क्या रेशियो है, 1:1:1:1। जो लॉस होता है वो आपके डेबिट होते हैं, उसे हम डेबिट कर देंगे। अगर 12000 को हम चारों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो वो पर पार्टनर कितना आएगा, 3000 3000 3000 एंड 3000। आपने 12000 डिवाइड कर दिया। अब इसका लॉजिक क्या है, हमको पता है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं, हमें पता है। अब आपका प्रॉफिट अगर हम सपोज करें 50000 था, आपने 12000 इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता, तो 12000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना डिवाइड होता, 38000। अब क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं, हमने प्रॉफिट क्या डिवाइड कर दिया, 50000। तो जो ये 12000 है ये हमारा क्या हो गया, एक एक्सपेंस है। 50000 का प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, वो 12000 तो हमने डिवाइड करना ही नहीं था। तो 12000 को हमने क्या एज्यूम कर लिया कि अगर 12000 हम देते तो 12000 हमारे एक्सपेंस हो जाते, तो वो हमारे क्या हो गए, लॉसेस हो गए। एक्सपेंस होते तो लॉसेस हो जाते। तो अब हमने क्या कर दिया, उस लॉस को चारों पार्टनर्स में जो भी उनकी रेशियो है उसके अंदर डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, हम इसको देते 5000 जो हमने नहीं दी, और लॉस इसको दे दिया 3000, तो इसका क्या बच गया, 2000 क्रेडिट का। मतलब इसे अभी 2000 और देने हैं, कि 5000 तो हमने इसको देने थे, 3000 इसका लॉस है, अगर हम देते तो पहले ही दिया जाता, और इसको हम क्या करते, 2000 क्रेडिट कर देते। इसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, 3000 ही देना था, 3000 इसका लॉस बना, तो वो हमको देने की जरूरत नहीं है। इसका हमारा क्या बनता है, 500 डेबिट। आपका क्या बन रहा है कि इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते वो तो 2500 बनता, लेकिन इसका लॉस का शेयर कितना बन रहा है, 3000, तो हमने 500 क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और नेक्स्ट है 1500, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। इसको देने तो 1500 ही थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, लेकिन इसका लॉस का शेयर कितना बन रहा है, 3000, तो वो हमने 1500 डेबिट कर दिया। अब क्योंकि उनकी कैपिटल फिक्स नहीं है तो हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, वो क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट कितने से है, 500 से, डी का कितने से है, 1500 से, और टू एज कैपिटल अकाउंट, वो कितना हो जाएगा, 2000 क्रेडिट। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर हम पहले कर देते तो उनका प्रॉफिट कम हो जाता, तो उनके पास वैसे ही कम प्रॉफिट जाता। अब क्योंकि हम प्रॉफिट तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, प्रॉफिट तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 50000, अब प्रॉफिट्स को चेंज करने की बजाय हम क्या करते हैं, जितना भी हमने उनको देना था, देना भी उन्हीं को है, लेना भी उन्हीं से है, तो हमने देना है उनको, पहले वो दे दिया, फिर जितना भी हमारा लॉस होता, जितना भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाता, उस प्रॉफिट को हम उनकी जो भी शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास एक जर्नल एंट्री आ जाएगी। ये होगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, जिससे आपके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब 500 सी से लेंगे, 1500 डी से लेंगे, और 2000 की पेमेंट किसको कर देंगे, ए को कर देंगे, क्योंकि इनके पास प्रॉफिट ज्यादा गया हुआ है और इसके पास कम गया हुआ है, तो हमने यहाँ से प्रॉफिट लेकर इस पार्टनर को दे दिया। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, जैसे हमने पहले वाला किया सेम हो जाएगा। तो उसके अंदर आपका क्या है, क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके अंदर आप जो इंटरेस्ट देना भूल गए हो वो 3 इयर्स के लिए देना भूल गए हो। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 1000 आता है किसी पर्सन का, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इयर्स का, 1000 1000 प्लस 1000 3000 हो जाएगा। तो 3 इयर्स का निकालना है, वो आप लोग करेंगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है।
एक्स वाई जेड आर पार्टनर 3:2:1 में शेयर करते हैं, एक्स वाई जेड आर पार्टनर 3:2:1 में शेयर कर रहे हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब इसके अंदर वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए हैं, चार्ज नहीं की है। तो द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू 2,250, 1,850 एंड 1,000। तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स आपको ऑलरेडी गिवन है, इसकी 2,550 है, बी की वाई की 1,850 है एंड जेड की 1,000 है। तो ये इन तीनों की ड्रॉइंग्स है जो आप प्रोवाइड करना भूल गए हो। आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जब सारी हो गई थी एडजस्टमेंट उसके बाद हमें पता चला, तो हम पहले क्या करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, टोटल का कॉलम लेंगे जेड वाई एंड एक्स, एक्स वाई जेड एंड टोटल। अब हम इसके अंदर जो भूल गए हैं वो क्या है, आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड करनी है, तो हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीनों पार्टनर्स की है, एक्स की है 2,550, 1,850 एंड 1,000। इसका टोटल करते हैं 0,550, 1,950, 5,400 टोटल आ गया। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्या करते होते हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करते हैं, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम है, हमको पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं तो बिजनेस के लिए तो वो एक इनकम हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी क्या है, इनकम है। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टाइम पर चार्ज कर लेते तो हमारा प्रॉफिट 5,400 से इंक्रीज हो जाता और हम वो इन तीनों पार्टनर्स में 3:2:1 में शेयर कर देते, तो अब भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कौन सी रेशियो में, 3:2:1 के अंदर। तो 5,400 का कितना हो जाएगा 3/6, तो 2,700, 1,800 एंड 900, ये आपका कितना आ जाएगा 5,400। तो ये हमने क्या किया, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं हमारे प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते 3:2:1 के अंदर। और वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर हम प्रोवाइड करते तो हमारे खर्चे हो जाते और प्रॉफिट्स हमारे कम हो जाते, तो हम उसको क्या करते हैं, वो लॉस कंसिडर कर लेते हैं। आपका प्रॉफिट कम हो जाता तो एज ए लॉस ले लेते हैं और उसको उस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर हमने डिवाइड कर दिया, अब हम देखते हैं कि हमारा ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, हम क्या करते हैं क्रेडिट, क्रेडिट कर देंगे। अब यहां हम देखते हैं ये कितना आएगा 150, 150 क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहां पर 50 क्या करना है, 50 डेबिट करना है, जो भी साइड ज्यादा होगी। इसको 1,850 हमने इसे चार्ज करने थे, 1,800 देने हैं तो 50 ले लेंगे। और इसका क्या होगा 900 इसको क्रेडिट करने हैं, लेने 1,000 हैं तो 100 डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में आपको कुछ कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बोल रखा है, नहीं कुछ नहीं बोल रखा, तो हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट्स में कर देंगे। क्या एंट्री होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। Y ने कितने देने हैं 50, Z ने कितने देने हैं 100 और वो 150 हमने पे किसको करने हैं, X को पे करने हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में हो जाएगा। हमने सिर्फ देखना है कि ये जो आइटम है हम कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। अगर हम उनसे लेते हैं पार्टनर से तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, हम प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। और वहीं इन केस अगर हमारा लॉस होता है, मतलब कोई खर्चा है जो हम भूल गए हैं जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता, तो उस लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करके जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 45 में देखिए वो क्या कहते हैं, आर एंड एस वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल 10 लाख एंड 15 लाख। फिक्स्ड कैपिटल है तो जो भी एंट्री होगी वो करंट अकाउंट से पास होगी।
The partnership deed provided the following: interest on capital 10%, interest on drawing 12%. During the year ended 31/3/2016, our drawing were 10,000 per month drawn at the end of every month, as drawing were 20,000 per month drawn in the beginning of every month. ये हम already कर चुके हैं, हम interest on drawing निकाल सकते हैं. After the preparation of final accounts for the year ended 31/3/2016, it was discovered that interest on our drawing was not taken into consideration. इसके अंदर आपने क्या गलती की है? It was discovered that interest on ours drawing was not taken into consideration. हमने सिर्फ क्या नहीं ली है? R की drawing नहीं ली है. आपको interest on capital की information भी given है, interest on drawing की भी given है. लेकिन हमने focus किस पे करना है कि हम भूल क्या गए हैं, हम गलती क्या कर चुके हैं. Question में उन्होंने हमें बताया कि हम क्या लेना भूल गए हैं. R से drawing, जो interest on drawing charge करना था वो करना भूल गए हैं. तो इसके अंदर जो हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सिर्फ आर से करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट जो पैसा आता तो प्रॉफिट तो दोनों पार्टनर में डिवाइड होता, आर एंड एस दोनों में. तो जो प्रॉफिट होगा, जितना भी आर की ड्रॉइंग बनेगी, उसको एज ए प्रॉफिट जब हम डिवाइड करेंगे तो वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, क्योंकि रह गलती किसकी गई है? सिर्फ आर की. आर से लेना भूल गए हैं, एस से ले ली होगी हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया होगा. आर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, लेकिन प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के लिए बढ़ता, तो प्रॉफिट जो आप डिवाइड करेंगे वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे. ये क्वेश्चन आप खुद करना है आपने. अब नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 46. एल एम एंड एन partners have omitted interest on capital for 3 years ending on 31st March 2017. LMN तीन partner हैं, तीनों ने 3 साल का interest on capital देना भूल गए हैं. Fixed capital आपको बता रखी है 1,40,000 है, 25,000 है and 15,000 है. Rate of interest on capital is 12% per annum. Rate आपको given है 12% है. The profit sharing ratios were 2015, 16, 17. तीनों ईयर में जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो डिफरेंट थी. अब आपने इसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है. एल एम एन तीन पार्टनर्स हैं. अब आगे उन्होंने क्या कहा? एल की कैपिटल है 40,000, 25,000 एम की है एंड 15,000 एन की है. तो हमको गिवन है तीनों की कैपिटल. रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने हमको बताया 12% है. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 12% पर एनम के बेसिस पर देने हैं. अब क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों इयर्स में अलग अलग थी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम सबसे पहले तो बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. पार्टनर्स कितने हैं हमारे पास? तीन. टोटल का कॉलम बनेगा एन एम एल, एल एम एन एंड टोटल. तो हम अब पहले देखते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते होते हैं? उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं. तो फर्स्ट ईयर का देखते हैं उनका कितना बनेगा. 12% है, 40,000 का 12%, 40,800. 25,000 का 12%, 3,000. और 15,000 का कितना होगा? 1,800. ये तीनों पार्टनर्स का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है. और ये कितना हो जाएगा टोटल? 7,800 एंड 9,600 है. अब क्योंकि हमारे पास तीनों इयर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, तो जब हम डिवाइड करते हैं लॉस को, तो डिवीजन ऑफ लॉस करेंगे. फर्स्ट ईयर का आपका लॉस कितना है? 9,600. आपकी रेशियो कितनी है फर्स्ट ईयर की? 5:2:1. तो 9,600 को हम किसमें डिवाइड करेंगे? 5:2:1 के अंदर. फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे. कैपिटल तो फिक्स ही है, आपका इंटरेस्ट भी क्या बनेगा? सेम ही बनेगा, 4,800, 3,000, 1,800, 9,600. लेकिन सेकेंड ईयर का जो आपका लॉस है, उसकी डिवीजन का जो आपकी रेशियो है वो डिफरेंट है. डिवीजन ऑफ लॉस 9,600 कर रहे हैं, लेकिन रेशियो हमारी क्या है यहाँ पर? 3:2
2:1। इस 9600 को हम 3:2:1 के अंदर डिवाइड करेंगे। और इसी तरह से थर्ड ईयर का जब हम निकालते हैं तो वो भी कितना बनेगा, 4800, 3000 एंड 1800, 9600। लेकिन इसको जो आप डिवाइड करोगे लॉस को, वो किस रेशियो में करोगे, आपकी है रेशियो 2:1:1 के अंदर। अब 9600 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका शेयर आता है 6000, 2400 एंड 1200। पहले हम इसका टोटल करेंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो हमने क्रेडिट करनी है 14400, इसका 9000 और इसका 5400। तो ये हमने क्रेडिट करनी है टोटल अमाउंट। जब हम 9600 को यहाँ पर तीनों पार्टनर में इन रेशियो में डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट जो हमने डेबिट करनी है। तो उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट कॉलम का, और उसके बेसिस पर हम क्या कर देंगे, जर्नल एंट्रीज। अगर हम देखें तो क्या आएगा, इसका टोटल आएगा 15600, इसका 8000 और इसका 5200। तो हमने क्रेडिट करनी है 14400 और उससे लेने हैं 15600। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा इसे। कितने से, 1200 से आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 9000 एंड 8000, 1000 से आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और इसका 5400 एंड 5200, 200 से आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू एन्स कैपिटल अकाउंट, आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। एल के अंदर हमने कितने देने हैं, 1200, एम कितने देगा, 1000 एंड एन कितने देगा, 200। ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी, क्योंकि तीनों ईयर से आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट थी, तो जो डिफरेंट ईयर्स के हमारे लॉस आए हैं हम उसी रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे और टोटल देखेंगे कि हमको डेबिट कितना अमाउंट करना है। तो ये थे 6 क्वेश्चंस आज के जो हम आप लोगों ने करने हैं। इसके आगे वाला जो कंसेप्ट है वो इससे इसी को ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इससे आगे जैसे इसके अंदर एक एक आपकी गलती थी, इसके अंदर आपने ओमिशन ज्यादा कर रखी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी नहीं किया, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने अभी यही क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।